बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मूली की सब्ज़ी बना रहे हैं पत्तों के साथ, बहुत मज़े की, बहुत ही हाजिम होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने वाइट वाला पार्ट है इसको कद्दूकश कर लिया है, और इसका जो ये ग्रीन है इसको मैंने हल्का हल्का ग्राइंड कर लिया है। एक पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं, और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, और ये 10 से 12 जवे लहसुन के मैंने बारीक काट लिए थे उसको ऐड कर रही हूँ। बहुत सिंपल बनती है, बहुत मज़े की होती है और बड़ी हाजिम होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ उसके अंदर, 2 से 3 काट के रखी हैं बारीक मैंने इसमें। और ये देखें, हम ग्रीन वाला पार्ट जो हमने इसको मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था, इसको आप चाहें तो चॉप करके भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़े की बनती है। इसको ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। वाइट वाला पार्ट भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं। इसको आप बेसन की रोटी के साथ खाएं, पराठे, रोटी, जिससे चाहें खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। सर्दियों में तो बहुत ज़बरदस्त मूली आती है और पत्ते भी बड़े अच्छे होते हैं इसके, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मूली क्योंकि मीठी होती है तो बहुत मज़े की बनती है। नमक ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हमारे हो चुके हैं, मूली हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसको अब हम थोड़ा सा भून लेंगे। इतनी आसान और इतनी सिंपल सी रेसिपी है और उतनी ही मज़े की लगती है। ऑयल बहुत कम यूज़ किया है मैंने इसके अंदर। देखिए इसमें एक्सेस ऑयल बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। दो से तीन मिनट तक इसको हम भून लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे कुचल देंगे ताकि जो थोड़ा बहुत इसका रह गया मिक्स हो जाए। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। देखिए हमारी मूली का साग तैयार है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त था। इतना सिंपल और आसान तरीके से बनाया है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है इसका, ग्रीन रहा है कलर इसका, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है तो इसीलिए कलर इसका ख़राब नहीं हुआ है। मेरे चैनल इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी फॉलो करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।